मैं सर हर्ष वार्ष्णेय हूँ, आर्किटेक्ट। आई थिंक ये ही इसकी खासियत है कि जहाँ पर हम सारे एयरपोर्ट सारे हर जगह जहाँ पे देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिजाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बट यहाँ पे एक मैंडेट दिया गया था कि वी शुड अमेलगमेट वर्नैकुलर आर्किटेक्चर विद दी दैट इज प्रेवलेंट इन दी इथॉस ऑफ द सिटी विद दी टर्मिनल डिजाइन, एंड वो बहुत हद तक एक सक्सेसफुल एक एक्टिविटी रही है। This is where we stand and we are proud of it as a mandate ki yes we have been able to achieve something vernacular for which India is known worldwide. Iske sath hi yahan ka jo design hai wo Ayodhya ke itihas ko kis tarah se prakashit karta hai. Ayodhya ka dekhiye, agar hum Ayodhya ki baat kare, Ayodhya apne aap mein Bharat ki ek, it's mythologically it's one of the oldest cities. So when we talk about Ayodhya, it is associated with Ramayana. अब रामायण में जो हमारे सात कांड हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हमारे डिपिक्ट हुए हैं इनके कॉलम्स के साथ। तो हमारे सात कॉलम्स हैं, मेन मेगा कॉलम्स जिनको हम कहते हैं, जो शिखर हैं उनकी हम बात करते हैं। सो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारी बिल्डिंग के, जो कि विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दी ओवरऑल डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। इसके साथ ही आज के समय में जब हम एयरपोर्ट को देखते हैं तो उनका एक अलग डिजाइन होता है, लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं है। आपको लगता है इसमें इमारत का डिजाइन किस तरह से बनाया गया और इसको लेकर के क्या कुछ काम किया? नहीं, देखिए डिजाइन जो जहां तक होता है, आप कोई भी दुनिया में एयरपोर्ट देखिए, कई बार बहुत मॉडर्न बन जाता है। बट यहाँ पे एक कोशिश करी गई है कि जो एयरपोर्ट बने वो शहर के लिए बने, शहर वालों के लिए बने, और शहर का जो डिजाइन है वो शहर को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि एयरपोर्ट अपने आप में एक फर्स्ट पॉइंट होता है, जब कोई भी प्लेन लैंड करता है, जब कोई भी खिड़की से बाहर देखता है, तो दैट बिकम्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ विजन टू द सिटी एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन, बिकॉज जब वो डिपार्चर्स पे आता है तो वो उसका एक आखिरी पॉइंट बनता है। सो उस टर्म्स में एक बिल्डिंग में डिजाइन शुड कैप्चर द एसेंस ऑफ द सिटी, दिस इज वॉट इट हैज फोकस्ड ऑन। एक आखिरी सवाल है, आप काफी समय से यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, क्या लगता है ओवरऑल किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, और इसके साथ यहाँ पे जो कलाकृति की गई है या जो नक्काशी की गई उसको लेकर? इट हैज बीन वंडरफुल। आई थिंक हमें एक we need to thank the government of India and honorable minister and the airports authority of India for believing in us ki hum ek purani sanskriti, purane architecture, purani jagah ki ahmiyat ko hum wapas la sakte hain, and jo ki aajkal log bhul jate hain, and of course jo hamare craftsmen hain jo actually ground mein kaam kar rahe hain, without whom it cannot be done, it is hats off to them. मेरा नाम सचिन काड़ोस्कर है, कंपनी का नाम है इन फाइन आर्ट वेंचर्स LLP। हम यहाँ पे आर्टवर्क बनाने के लिए आए हैं, हमारी टीम है आर्टिस्ट की। सो इसमें डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 90 मीटर की एक वॉल है, बहुत लंबी, 90 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है। उसके ऊपर हम 14 पेंटिंग्स बना रहे हैं। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जन्म से लेके जब वापस आते हैं उस कथा में हमने 14 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लिए हैं, और वो 16 फीट बाय 21 फीट और हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में फॉर्म में हमने उसको बनाया है। ये आर्ट हमने खुद, ये जो स्टाइल है, डिजाइन है, वो खुद रिक्रिएट किया है। बहुत सारे ये लिया, जैसे हमारे पट्टचित्र है, हमारा जो अलग अलग जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको लेके कुछ चेहरे लिए जो हमारे जहन में बैठे हुए हैं, और ऐसे हमने राम जी की, सीता जी की, हनुमान जी की, ऐसे हमने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं जो एक डेकोरेटिव आर्ट के साथ लगेगी। अब जैसे मान लीजिए श्री राम जी का जन्म होता है, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई होती है, फिर सीता जी के साथ उनका विवाह होता है, फिर उनको जाना पड़ता है वन में, फिर रावण आके सीता जी को ले जाते हैं, फिर उसके बाद हमने दिखाया है कि बाली का कैसे वध होता है, ऐसा करते करते पूरा राम रावण युद्ध तक, और उसके बाद राम दरबार तक। मतलब अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि ये जो आपने जो वॉल पेंटिंग बना रहे इसमें पूरी रामायण कहीं ना कहीं दर्शा दी गई है? हाँ जी, वैसे पूरी तो मैं नहीं कहूंगा, उसका रीजन ये है कि जब राम जी अयोध्या आए थे यहाँ तक का हमने दिखाया। उसका कारण ये है कि अयोध्या में जब एयरपोर्ट बन रहा है, जब यहाँ पे उसके बाद उत्तर राम ये भी ये बना था पूरा, एक जो राम जी फिर यहाँ पे जो राज किया था, हम दिखाना ये चाहते थे कि राम जी का जन्म हुआ और राम जी कैसे वापस आए यहाँ तक, वो 14 साल का वनवास और 14 साल की हमने 14 कहानियां वो ली हुई है, ऐसा एक 14 पेंटिंग्स लिए हैं। तो ये कब से आप काम चल रहा है, कब तक कम्प्लीट हो जाएगा, और क्या कुछ कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसको करने? वैसे ये 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि रामायण तो हमारे जहन में, प्रभु श्री राम पूरे दुनिया के देवता हैं,
तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे अयोध्या में हमें काम करने को मिल रहा है। हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो कारीगर हमारे साथ होते हैं, वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि उनको हमको यहाँ पे साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। एक एक यहाँ की धरती की जो पवित्रता है ना, वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। और एयरपोर्ट पे क्या खास यहाँ पे क्या? सो और जगह जो एयरपोर्ट बने हैं, जैसे मैं काफी एयरपोर्ट पे काम किया, देहरादून एयरपोर्ट पे हमने इंडिया की लार्जेस्ट वॉलार्ड म्यूरल बनाई है, सूरत एयरपोर्ट पे काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसी जैसा यहाँ पे बन रहा है। मतलब आप एयरपोर्ट पे नहीं मंदिर में आ रहे हो ऐसा ही लग रहा है, आते ही बिल्डिंग इस तरीके से बनी है, वो एक बहुत बड़ी खासियत बात है। क्योंकि आप अगर दूसरे एयरपोर्ट पे जाओगे तो वही कांच का दिखता है, वही मॉडर्न लुक दिखता है, ये जो लुक है बहुत सुंदर बनाया है जो आते ही एक मोह एक मन को लुभा देगा, और आप आते तुरंत मंदिर में जाएंगे तो और आप राममय हो जाएंगे। क्या लगता है देश विदेश से लोग आएंगे जब पहला उनका तो अगर वो यहाँ उतरेंगे तो उनको लगेगा जब एयरपोर्ट इतना भव्य है, इतना सुंदर है, तो रामलला का मंदिर कितना सुंदर होगा। क्योंकि अभी से मीडिया में हम इतने फोटोज देख रहे हैं रामलला के मंदिर की, तो उत्सुकता इतनी हो रही है, अब कंप्लीट होगा तब कितना सुंदर होगा। तो वही चीज बताया, क्योंकि क्या होता है देखिए, जैसे एयरपोर्ट है वो आपकी एक छवि दिखाता है कि शहर कैसा होगा। आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं या रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो उसकी सुंदरता देख के आप एक शहर के बारे में आप एक अपना एक मन बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये भव्य एयरपोर्ट देखेंगे तो लोग को लगेगा कि राम मंदिर जितना भव्य ही ये एयरपोर्ट भी है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखिए मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था ना, तो पता नहीं इस धरती पे क्या वो आकर्षण है, क्योंकि हम बचपन से राम की कहानियां राम के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो एक ऐसा आकर्षण था कि यहाँ पे आके मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे काम जितनी बार आए हैं अभी जैसे कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो एक मजे की बात है। तो लोगों को बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस धरती से, तो ये धरती इतनी पावन है। यहाँ पे आएंगे एयरपोर्ट सुंदरता देखेंगे फिर तुरंत मंदिर जाएंगे तो बस खुश होने वाला है, इतना तो मुझे पता है। देखिए अभी कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है नाम के संदर्भ में, अभी हमारा ये एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट के नाम से ही विकसित हो रहा है। बाकी क्या कुछ खासियत रहेगी? खासियत इस एयरपोर्ट की ये है कि इस एयरपोर्ट को राम मंदिर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसकी जो शिखर और जो डिजाइन है वो अयोध्या की महत्व को दिखाती हुई हम लोगों ने रखी है। इसके अंदर हम लोग आर्ट वर्क भी राम जी के चरित्र से संबंधित कर रहे हैं, तो ये इस एयरपोर्ट की और दूसरे एयरपोर्ट से हटके एक खास बात है कि हम लोग इसमें अयोध्या के चित्रण को राम जी के थ्रू दिखा रहे हैं। लगातार इस एयरपोर्ट को लेकर के ये बात कही जा रही है कि उद्घाटन के समय को लेकर नहीं, देखिए ये जो भी उद्घाटन और ये जो होते हैं ये हमारे संबंधित बातें नहीं है। ये जो भी बात होती है वो पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस और डीएम ऑफिस या हमारा कार्यालय जो दिल्ली में है वहां से होता है। इस बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आप पूछेंगे मैं बता सकता हूँ। बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी बात कर, बाकी अगर हमारा रनवे पूरा हो चुका है, बिल्डिंग 97% पूरी हो गई है और हम लोग अपने फिनिशिंग टच पर हैं, साफ सफाई चल रही है और इसको बहुत जल्दी हम रेडी कर लेंगे। क्या टाइम का कुछ नहीं, वो तो जो भी ऑपरेशन होगा या फ्लाइट की कोई भी डेट होगी वो ऊपर से तय होके आएगी, कब उद्घाटन होना है, कब प्रचालन शुरू होना है, वो सब बाकी सब तैयार है हमारा। बाकी ये जो फाइनल टच है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? फाइनल टच हमारा 15-20 तारीख के बीच पूरा हो जाएगा। अयोध्या
अयोध्या एयरपोर्ट का फेज वन लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है, टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य फाइनल स्टेज में है और फिनिशिंग चल रही है, और एयर स्ट्रिप और रेशा का काम और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कंप्लीट हो चुका है, और DGCA के लाइसेंसिंग के लिए भी अप्लाई हो चुका है, और ये भी जल्द ही संभावित है, बिल्कुल फाइनल स्टेज में कभी भी इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है और उड़ान संभावित है हमारा। लगातार ये कयास लगाई जा रही है कि इतने इस डेट से फ्लाइट उड़ेंगी या इस जगह से फ्लाइट उड़ेंगी, क्या इस बारे में कोई अपडेट है? इसके बारे में जो भी फाइनल कंफर्मेशन आएगा तो आप लोग सबको अवगत करा दिया जाएगा। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.